दोस्तों, समस्याएं हर व्यक्ति के पास हैं, हर व्यक्ति समस्याओं से ग्रस्त है, लेकिन हमें ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति सुखी है, संपन्न है, मुझसे बेहतर जिंदगी जी रहा है और मेरे पास समस्याओं का भंडार है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति पर समस्याओं से परेशान है। हर व्यक्ति को ये लगता है कि मैं बहुत परेशान हूँ। उसका प्रमुख कारण ये है कि हम छोटी छोटी समस्याओं को इतना बड़ा कर लेते हैं कि वे समस्याएं वाकई में बड़ी हो जाती हैं और हम अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझते हैं। साथवीं एक सज्जन जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष की होगी, वो काफ़ी परेशान रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी। उनकी पत्नी ने एक अटेंडर नियुक्त किया। किस्मत से वो ज्योतिष का ज्ञान भी रखता था। उनकी पत्नी ने कहा कि ये बहुत परेशान है। उसने उन्हें उनकी कुंडली दिखाई। कुंडली में उसने सारी चीज़ें देखी, सब कुछ ठीक ठाक था। कुछ बेसिक जानकारी लेने के बाद उसने उनकी पत्नी को बाहर बैठने को कहा और उनसे पूछा कि हाँ बताइए क्या क्या परेशानी है। उनका बोलना शुरू हुआ। बोले, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि पढ़ाई का टेंशन है, जॉब का टेंशन है, घर लोन पर है, कार लोन पर है, व्यापार में भी धंधा नहीं चल रहा, लोग पैसे नहीं दे रहे, दिन ब दिन परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अटेंडर कुछ सोचने के बाद उनसे बोला कि आपने 10वीं पास कहाँ से की थी। उन्होंने उस स्कूल का नाम बताया। उसने कहा कि आप उस स्कूल में जाना और उस स्कूल के 10वीं में जो जो लोग आपके साथ पढ़ते थे, जो जो आपके सहपाठी थे, उनकी डिटेल निकलवा के लाके आना और लगभग 1 महीने तक उनसे कांटेक्ट करके उनके मौजूदा हालात के बारे में उनसे पूछना, फिर मैं आपसे मिलूंगा। श्रीमान जी गए, बड़ी मन्नतें की, पुराना रिकॉर्ड निकलवाया, उनकी डिटेल लिखी। लगभग 150 लोगों की डिटेल उनके पास आई, जिसमें से उन्होंने दिन रात बात की। उसमें से 70 से 75 लोगों से बात हो पाई। बाकी के जो कुछ लोग थे उसमें से 15 से 20 लोग मर चुके थे, 4 लोगों का एक्सीडेंट हो चुका था जिसमें वो अपने हाथ पैर गवा चुके थे, 10 लोगों को लकवा हो गया था, 1 ने एक्सीडेंट में अपनी रीढ़ की हड्डी खो दी थी, जिंदगी भर के लिए बिस्तर पर लेटा हुआ था, 5 हार्ट पेशेंट हो चुके थे, 10 शुगर पेशेंट हो चुके थे, 1 के बच्चे नालायक निकल गए, अपने बच्चों से परेशान था, 1 ने किसी का मर्डर कर दिया था, उसकी सजा हुआ पिछले 7 साल से काट रहा था, 1 की बीवी उसे छोड़कर भाग गई, 1 ने बच्चों से तंग आकर खुदकुशी कर ली, 1 व्यक्ति 52 साल की उम्र में आके सेटल हुआ था, अब वह शादी करने की सोच रहा था और कुछ लोगों का तो अता ही पता नहीं था, 5 लोग ऐसे थे जो अत्यधिक इतने गरीब थे कि उनसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं था, और 10 लोग इतने अमीर हो चुके थे कि उनसे बात ही नहीं हो पाई। करते करते वह 10वीं का रजिस्टर हर व्यक्ति की व्यथा सुना रहा था लगभग 1 महीने से। जब उन्होंने सारी डिटेल्स लिखी और लिखने के बाद काउंसलर ने उनसे आके पूछा कि हाँ अब बताइए कि डिप्रेशन क्या है। श्रीमान जी समझ चुके थे कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरा दिमाग ठीक से काम कर रहा है, लोग मुझे पागल नहीं समझते, मेरे बीवी बच्चे स्वस्थ हैं, वकील पुलिस का कोई लफड़ा नहीं है, अस्पताल से भी कोई पाला नहीं पड़ा, जो है पर्याप्त है, मेरे पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो मैं चाहता हूँ, वो मुझे समय रहते मिल जाती हैं। अब वो समझ गए थे मैं जितना अपने आप को कमज़ोर समझता था उतना मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, ईश्वर ने मुझे सारी चीज़ें दी हैं और मैं सुखी हूँ। साथियों, ऐसा ही हमारा जीवन होता है। हम हमेशा उस व्यक्ति को बहुत ताकतवर और सुखी संपन्न समझते हैं जिसकी हम वाकई में यदि उसकी दशा देखें तो वह दयनीय होती है। हमें यदि जीवन में सुखी रहना है, जो ईश्वर ने दिया है उसमें सुखी रहना है, तो हमें अपने से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं, जो आर्थिक स्थिति से, मानसिक स्थिति से जीवन यापन कर रहे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। जब हम एक बार उनके बारे में सोच लेंगे तो हम खुद ब खुद ये समझ जाएंगे कि ईश्वर ने हमें वो सारी चीज़ें दी हैं जो मुझे ज़रूरी है, और यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें अपने से ऊपर लोगों को के बारे में सोचना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, वो जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए दोस्तों,
जो ईश्वर ने दिया है उसमें संतुष्ट रहें, क्योंकि कहते हैं कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। और यदि दुनिया की बात करें तो दुनिया को लेकर पहले से ही अच्छा सा गाना बन चुका है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। इसलिए दुनिया में बहुत गम है, आप सुखी हो, संपन्न हो, जो है आपके पास वो पर्याप्त है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।